हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अल्ता मासन हूं, रियल बेवरेज सोडा मशीन कंपनी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए फिर से मैं एक इंजेक्ट प्रिंटर लेकर आ गया हूं जो ऑटोमेटिक कन्वेयर के साथ है और पूरा टच डिस्प्ले है और बहुत ही अच्छा और कॉम्पैक्ट मशीन है ये। उसके अंदर आप अपनी बोतल में, अपने पैकेट में, अपने पाउच में, बॉटल से पाउच है या कैप है उसका, उसमें किसी में भी आप प्रिंट कर सकते हो। इसके अंदर आप प्रिंट कर सकते हो डेट, आपकी कंपनी का लोगो या बारकोड या कुछ भी ऐसा, आप अपना बैच नंबर, आप सारे कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लाइव आइए, यहाँ पर बताइए, देखो हमने यहाँ पर इस पर लिख दिया है रियल बेवरेज, रियल लिखा है हमने, और हमने लिख दिया है इसके अंदर डेट। देखो ये यहाँ पर हमने लिख दिया है रियल, MRP 10 रुपये, 3/5/2021, ये हमने लिख दिया है यहाँ पर, ये सेट हमने किया है। देखो ये ठीक है, ये हम इसको यहाँ पर से अगर पाउच हम डालते हैं, ये मैं आपको लाइव करके दिखा दूँ थोड़ा सा। देखो ये हमने पाउच डाल दिया यहाँ से, तो ये प्रिंट होकर के आ गया। ठीक है, हम इस पर जो भी नाम लिखेंगे वो नाम आ जाएगा इसके अंदर। हम यहाँ से चेंजेस सारा कुछ कर सकते हैं, और इसके अलावा ये मशीन को भी पूरी हम चेंज कर सकते हैं, यानी पूरा जिस तरह का आपका बॉटल है या जैसा आपका सेप है पूरा हम सेटअप कर सकते हैं इसके अंदर। चाहे आप पाउच में लगाना चाहते हो तो पाउच में, चाहे आप इसको बोतल में लगाना चाहते हो तो बोतल में, या हर किसी में भी आप आराम से सेट इसको कर सकते हो। मैं इसका तो आपको ये थोड़ी देर के लिए हम बंद करेंगे, उसके बाद हम आपको कैप का भी करके बताएंगे कैप के ऊपर कैसा लगता है ये। ठीक है, इसको आप पूरा एडजस्टमेंट कर सकते हो, पूरा सेंसर वाला भी है इसके अंदर, सेंसर दिया गया है, ये पूरा एडजस्टेबल है। इसके अलावा सबसे अच्छी और खास बात यह है कि इसके अंदर कन्वेयर जो दिया है वो रिवर्स फॉरवर्ड है, दोनों तरफ चलेगा ये। देखिए आप, ये इस तरह अभी चल रहा है, ये मैंने चीज रख के आपको बताई, ये पास हो सकता है ये वॉल्यूम। ठीक है, ये स्लो कर दिया और इस तरफ घूम रहा है, ये पास कर दिया, ये स्लो कर दिया, रुका दिया, आप देखिए इसको, ये कन्वेयर को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी अच्छी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि हम ये मशीन को अपने हाथ में लेकर के भी काम कर सकते हैं। आपको बताऊं, निकाल करती है मशीन, आप ऐसी कोई मशीन है कि आप इसको वहां पर मशीन के ऊपर कन्वेयर के ऊपर नहीं रख सकते हो तो आप इसको हाथ में लेकर के भी कर सकते हो। हमने इसको क्लैंप से फिट कर दिया, यहां पर ये हो गया, बाहर आ गया ये। ठीक है, अगर सेंसर की जरूरत है तो सेंसर आप ले सकते हो हाथ में, सेंसर की जरूरत नहीं है, सेंसर का वायर निकाल दीजिए आप, ये अपने आप ही सेंस कर लेगी, और इसको आप ऐसे निकाल करके वायर यहाँ पर गन में, यहाँ पर हैंड में हमने इसको दिया गया, यहाँ पर इसके अंदर दिया गया, ये इसका बटन दिया गया। हम इसको ऐसे रख करके, अगर कोई बड़ी मशीन है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई बड़ी मशीन है उसके ऊपर आपको करना है प्रिंट, ऐसा रख के आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो उस पर प्रिंट हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप इसके अंदर, दूसरी बात यह है कि आप इसमें सारा कुछ आगे पीछे कर सकते हो, ये इसके अंदर दिया गया स्टार्ट है, ये पुश है, उसके बाद ये सारे सेटिंग दिए गए इसके अंदर, बहुत सारे सेटिंग है, ये सेटअप में जाना है हमको। आप अपनी का नाम, अपनी कंपनी का नाम लिखा सकते हो इसके अंदर, आपको जो भी इसके अंदर बारकोड डालना है, आपको छोटा बड़ा राइटिंग करना है, सारा कुछ इसके अंदर आप कर सकते हो, सारे फंक्शन इसके अंदर दिए गए। ठीक है, सेंसर निकालना है आपको, कुछ भी आपको करना है सारा कुछ कर सकते हैं आप। और इसके अंदर बैटरी भी है, प्लस चार्जर दिया गया है इसके अंदर, आप बैटरी है, ये देखिए इतना बड़ा बैटरी है इसके अंदर। ठीक है, आप इसको ऐसे निकाल करके इसको रख सकते हो, इजी टू ऑपरेट है बिल्कुल। इसके अंदर ये कार्ट्रिज है, ये कई आपको कई बोतल इसके अंदर कई बार दवा ये प्रिंट करके दे देगी आपको कार्ट्रिज। ठीक है, कार्ट्रिज आपको उसके बाद भी हमारे पास से मिल जाएगी, ये बहुत ही अच्छी और बेस्ट क्वालिटी का ये। अब तो आपने देख ही दिया कि इसको कैप पे लगाने की, मैं आपको बताना जरूरी नहीं कि भाई कैप पे भी लगाने, तो इसको आप कैप पे भी ऐसे लगा सकते हो, यहाँ पर कैप हम रख करके उसका सेटिंग कर देंगे। अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, हमने जैसे यहाँ पर ये कैप रख दिया, चाहे आपको इस पर कुछ भी लिखना है आप लिख करके यहाँ से कन्वेयर से चलेगा, ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा हैंड में, आप इसको हैंड गन भी बोल सकते हो, कि हाथ से भी इसको अगर कहीं मैनुअल करना है आपको तो कर सकते हो, ऐसे चलेगा। यहाँ पर रोलर दिए गए, ये रोलर है इसका, बताइए ये रोलर है, ये रोलर के पास से जो चीज गुजरेगी अगर इतना यहाँ से करीब से, तो ये आराम से प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शन है, ऑन ऑफ का बटन भी दिया गया, ये ऑफ हो गया, यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, यहाँ से ऑन हो जाएगा। आप अपनी कंपनी का लोगो इसके अंदर एक बार दफा इंस्टॉल कर दोगे तो आपकी कंपनी का सेम लोगो है वो आ जाएगा, जैसे कि हमारी कंपनी का रियल बेवरेज। देखो अगर हम मैं इस मशीन के अंदर का इंस्टॉल कर दूंगा रियल बेवरेज, तो रियल बेवरेज के अंदर आ जाएगा परफेक्टली। ठीक है, और आप इसको इजी टू ऑपरेट बिल्कुल कर सकते हो, इजी है बिल्कुल। अगर आपके पास सोडा बॉटलिंग प्लांट है हमारा, या कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर है आपके पास, ऐसा कोई प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही काम की है ये मशीन। इतनी छोटी सी मशीन है, बहुत ही काम की है। अगर आप ये जैसे हो गया ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक पूरा हो गया, ठीक, अगर उसके अलावा मैनुअल में जाना चाहते हो तो ऐसा भी आता है। देखो ये मैं आपको चालू करके बताऊं, ये हमने इससे पहले भी बहुत सारे बेचे ही है, ये काफी मशीन बेची है हमने, मगर मौका कभी नहीं आया कि वीडियो बना के बताऊं, तो यहाँ इसका वीडियो मैंने बना दिया। देखिए इसके अंदर भी यहाँ पर हम डाई रख देंगे, एक छोटा सा डाई आ जाएगा इसके अंदर, यहाँ डाई आ जाएगी,
ठीक है, डेट वाइज इसमें डाई लगा सकते हो अपने लोगों की, अपने नाम की, अपने काम की डाई लगा करके ऐसा आप कैप रख के, जैसे यहाँ पर एक डाई आ गया बराबर, फिर इसके अंदर इंक डालेंगे हम लोग, इंक और थिनर डाल के इसको रेडी कर देंगे। ठीक है, इंक और थिनर डाल के हमने रेडी कर दिया, फिर उसको हम यहां से सेटअप कर देंगे पूरा, और सेटअप करने के बाद इसको हम यहां से ऑन ऑफ करके, तो ये क्या होगा पता है, यहां से इंक लेके इस पे चिपका देंगे, देखो ऐसे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर ये सेटिंग दिया गया है, इसको ऊंचा नीचा अब क्रॉस सब कुछ कर सकते हो, देखो ये ऊपर हो गया। ठीक है, ये हो गया कैप पे प्रिंट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहां से इंक लिया उसने और यहां लगा दिया वो। ठीक है, इसको आप फास्ट भी कर सकते हो, ये बहुत ही फास्ट है देखो। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा पेपर वगैरह करना है आपको कि भाई छोटे से पेपर में भी प्रिंट करना है आपको, तो इसको यहां से आप ऐसा फास्ट करके भी कर सकते हो। इसके अंदर ये ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है, और ये कर सकते हो आप इजी से, बिल्कुल हो जाएगा। इसमें भी आप डेट लगा सकते हो, ये मैनुअल मशीन है, ये थोड़ा ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मशीन है, ये मशीन है तो हमने बहुत कस्टमरों को दी है, हमारी कर्नाटक में मशीन लगी है, अहमदाबाद में भी लगी है, यूपी के अंदर लखीमपुर करके है, खीरी लखीमपुर वहां पर भी हमने ये मशीन दी है, और भी कहां दी हमने मशीन, और भी दो तीन जगह पर ये मशीनें तो दी हमने कस्टमर के, वहां चल भी रही है बहुत अच्छे से। हाँ, गोधरा में मशीन है हमारी, गोधरा में भी दे रखी है हमने मशीन। ठीक है, और कहा पिराना, पिराना में भी दे रखी है, पिराना यहाँ पर एक छोटा सा सिटी है, एरिया है पिराना करके अहमदाबाद का, तो वहां पर भी हमने ये मशीन दे रखी है। ये मशीन तो बहुत सारी दे रखी है, ये मशीन हमारे पास आई है उसको टाइम हो गया। ये भी मशीन हमने दे रखी है यूपी के अंदर दी है, और दूसरी हमने कहा दी है ये मशीन कल्पा में दी है, कल्पा में, और एक दी है हमने अफ्रीका में, अफ्रीका में कहा दी है हमने तांजानिया में, तांजानिया में। ठीक है, अफ्रीका में तांजानिया में दी है, इससे पहले तो थोड़ा सा अपडेट मॉडल आता था, वो थोड़ा हेवी कॉस्ट का था, ये थोड़ा लो कॉस्ट का है। तो आप भी अपने लिए ऐसी कोई मशीन की अगर रिक्वायरमेंट है आपको, तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपने नंबर दिया हमने यहाँ पर, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे होगा, वहां से आप हमें कॉन्टेक्ट करके हमसे मशीन मंगवा सकते हैं, चाहे ये मशीन है, चाहे ये वाली मशीन है, या तो इसके अलावा आपको अगर छोटा मोटा बिजनेस करना है तो पाउच फिलिंग मशीन है हमारे पास, शुगर केन मशीन है हमारे पास, फिर अल्लाह ने की तो पॉपकॉर्न मशीन है, बहुत सारी मशीन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, शुगर केन में चिलर वाली भी है, नॉन चिलिंग वाली भी है, निसादी जो होती है वो मशीन है, स्टेनलेस स्टील की, प्योर स्टेनलेस स्टील 100% 304 आउटर बॉडी और रोलर, ये सारा 304 वाली स्टेनलेस स्टील की भी है, चालू क्वालिटी में भी हमारे पास है, बहुत सारी रेंज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। तो आप ऐसी कोई मशीन हमसे खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग रियल ब्यूरेज, थैंक यू।